प्रचार में उतरी सोनिया गांधी एनडीए सरकार पर साधा निशाना, बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने की अपील। बिहार चुनाव के पहले चरण के आखिरी दिन सोनिया गांधी ने वर्चुअल तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने इस मौके पर बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए नाकारा बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो वादा करके सरकार में आए थे वो अपने वादे पर कायम नहीं रह पाए, ना उनकी करनी अच्छी है ना कथनी। देश के किसान और युवा निराश हैं, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है, बिहार की जनता की आवाज़ महागठबंधन के साथ है। उन्होंने कहा कि अब बदलाव की जरूरत है, बिहार की जनता बदलाव के लिए महागठबंधन को ही वोट करेगी। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र और ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करती हूँ। आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है, ना उनकी करनी अच्छी है ना कठनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान आज निराश है, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है, धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है, दलितों और महादलितों को बेहाली की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। समाज के पिछड़े वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार है। बिहार की जनता की आवाज़ कांग्रेस महागठबंधन के साथ है, यही है आज बिहार की पुकार। दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत कलिहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी। इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल के लिए एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है। आज वक्त है अंधेरे से उजाले की ओर, झूठ से सच की ओर, वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ने का। ज्ञान की धरती कहे जाने वाले बिहार की जनता से मेरी अपील है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दे और नए बिहार का निर्माण करे। धन्यवाद। जय हिंद। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।